जय हिंद साथियों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का शो 60 पर स्वागत है। और आज हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 10, चैप्टर नंबर 10 और क्लास नंबर 16। 16 नंबर क्लास है और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज 10th क्लास चैप्टर है। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी एंड बीचेस, सी पोर्ट्स एंड बीचेस। तो यहाँ से जनरली दो से तीन तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि ये सी पोर्ट वेस्टर्न घाट में है या ईस्टर्न घाट में। सिंपली निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा ओल्डेस्ट है, कौन सा लेटेस्ट है, या किसी का नया नाम बदल गया हो। मतलब ये लगभग नहीं आने वाला क्वेश्चन होता लगभग, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा थोड़ा बहुत क्या बीचेज, वो मुश्किल है, हजार से ज्यादा बीचेज हैं, समुद्र तट, या बीचेज को हिंदी में क्या कहेंगे, तटी कहेंगे, हाँ, जहाँ पे हम टूरिस्ट शादी हो जाएगा आप लोग का, तो आप लोग हनीमून वनीमून के लिए जाएंगे कि देखो मैं हम पढ़ा करते थे यहाँ और पढ़ के तुमको यहाँ पे ला पाए हैं, तो तुम एंजॉय करो और हम फील करते हैं उस जगह बीच को। हाँ वही 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 कहना था। चलो अच्छी बात है, ऐसे सोच के खुश हो सकते हैं। जो एयरवेज होता है, हाईवेज होता है और सीवेज होता है, तो उसमें सबसे सस्ता माध्यम सीवेज माना जाता है। और जितनी सभ्यताएं विकसित हुई हैं नदियों और समुद्र के आसपास ही, समुद्र कहना गलत है, नदियों के आसपास ही विकसित हुई। तो यहाँ पर देखो थोड़ा फैक्ट अलग है और जो आपके पास बुक है वो अलग है, दिख रहा होगा। वहाँ पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे जिक्र नहीं किया है, तो टू द पॉइंट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहला लाइन क्या लिखा है, हैं सेम लाइन चल रहा है, चलो सेम लाइन है तो आगे थोड़ा सा अंतर आएगा। तो पॉइंट ये है कि जो सी पोर्ट्स आते हैं तो ये दो तरीके के हैं, लार्जर मीडियम और स्मॉल, तो तीन तरीके के। तो लार्जर और मीडियम आते हैं किस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, और स्मॉल आते हैं स्टेट लिस्ट में। तो सी पोर्ट्स यदि सिंपली पूछा जाए किस में आएंगे, तो यूनियन लिस्ट में आएंगे, संघ सूची का मामला होगा। तो भारत के पास 12 सी पोर्ट्स हैं लार्जर, पहले 13 थे, अंडमान निकोबार वाला अभी हटा दिया गया, तो कुछ बुकों में आपको 13 मिल जाएगा। और साथियों 200 माइनर पोर्ट के रूप में, ये भी अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो माइनर पोर्ट हमारा हमने कहा कि स्टेट वाले में, और लार्जर वाला जो है यूनियन लिस्ट वाले में। मुझे एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा लग रहा है, तो वो एक बार चेक करो, मुझे ऐसा बार बार बोलते समय क्लिक हो रहा है कि माइनर वाला कॉन्करेंट में, क्योंकि स्टेट में हो नहीं सकता, तो आपने लिखना है माइनर पोर्ट इज द पार्ट ऑफ विच लिस्ट, तो ऐसे पता चल जाएगा। और इंडिया का कोस्ट लाइन कितना किलोमीटर, तो यह बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 7516.6 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड है ना, मेनलैंड में से ये वाला यहां पर है और जो आइलैंड वाला है उसको ये वाला यहां पर है, तो दोनों को मिलाते हैं तो कितना बनता है, लगभग 7516 किलोमीटर। क्लियर है? और द इंडियन पोर्ट ऑफ इंडिया कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। शायद ये क्वेश्चन आया है कि किस कॉन्करेंट में है ना, यस वही कहना चाह रहा था। तो हमने जो थोड़ी सी गलती की थी उसको सुधार देते हैं। लार्जर पोर्ट और मीडियम पोर्ट आर मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट और माइनर पोर्ट आर मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये गलती से हो रहा था, बोलते समय बार बार दिमाग पे क्लिक हो रहा था कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ये कौन से एक्ट के तहत चल रहा है, 1963। ये क्वेश्चन आ चुका है, मिल जाएगा शायद आज ही आपको। और भारत जो है कोस्टल लेंथ के मामले में 18वें नंबर पे है, वहां पे 19 दिया है, 18 दिया है, ठीक है, 18वें नंबर पे है। और वर्ल्ड में सबसे, मत पढ़ो और बाकी चीज गलत है, जो काम का था वो पढ़ लिए। सबसे लंबा जो कोस्टल लाइन है वो किसका है, कनाडा का। और एशिया में जो सबसे लंबा है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया के पास सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है ना, आर्किपिलागो बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के पास है। ये हमारे कोस्टल स्टेट हैं या कोस्टल एरिया हैं, तो वैसे भी थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए कि काठियावाड़ और कच्छ कहाँ पर है, तो ऊपर कौन सा है, कच्छ वाला, कोंकण और मालाबार,
यह आपको याद होना चाहिए, कोंकण कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले हिस्से में, और मालाबार कर्नाटक वाले हिस्से में केरल के साथ। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा वाले हिस्से में और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से में कवर करेगा। हाँ मालाबार, देखो केरल, ओ अच्छा केरल केरल, हाँ ऐसे बोलें तो ठीक है। कोरोमंडल तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और नॉर्दर्न सार्केस कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले, और उत्कल तो आप जानते ही हैं उड़ीसा वाले हिस्से में आएगा। तो ये वैसे आपको जानना चाहिए ज्योग्राफिकली। जैसे आज एक क्वेश्चन था कि भारत को, भारत तमिलनाडु से श्रीलंका जाना हो तो किससे होके जाएंगे, तो किससे होके जाएंगे, कोरोमंडल से जाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। वहां एक ऑप्शन पाक स्ट्रेट भी था, किसको पार करना पड़ेगा। तो पाक स्ट्रेट तो बीच में है, लेकिन पार किसको करेंगे आप, कोरोमंडल को। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको दिमाग के साथ साथ थोड़ा फिजियोग्राफी का भी यूज करना होगा। अब देखो कोस्ट लाइन हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास कितने स्टेट हैं जो कोस्टल स्टेट हैं, तो 9 होने चाहिए, है ना। इसमें से यूटी भी आता है, तो यूटी को हमने काउंट नहीं किया, ध्यान रखना। हम स्टेट स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा है, पुडुचेरी, वो शामिल नहीं कर रहे हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं कर रहे, दमन दीव को, दादर नगर हवेली को शामिल नहीं कर रहे। स्टेट वाइज 9 है। दूसरा, अगर सबसे लंबा लेंथ किसका है ना, अब ये तो आप बताओ, आंध्र प्रदेश या गुजरात। हाँ अब ठीक है, सेकेंड पे आंध्र प्रदेश, 1600 आ जाएगा अभी आपके सामने। तो हमने कहा कि 9 स्टेट है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंटी यूनियन टेरिटरी, कौन कौन, दादर नगर हवेली और दमन दीव और पुडुचेरी। अब ये एक हो गए हैं 26 जनवरी 2020 को, सॉरी 26 जनवरी 2020 को ये एक हो गए, और पुडुचेरी भी इन फ्यूचर स्टेट में मिला दिया जाएगा, ऐसा चर्चा चल रहा है। और ये तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, और 2 आइलैंड टेरिटरी में कौन कौन से साथियों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब गुजरात है जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कितना किलोमीटर, 1600, एंड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, कितना लगभग, 974 किलोमीटर, कोरोमंडल कोस्ट और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। महाराष्ट्र किस कितने नंबर पे है साथियों, हैज द कोस्ट लाइन ऑफ 720 एंड नोन एज द कोंकण कोस्ट, इट इज बाउंडेड बाय द माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट इन ईस्ट एंड द अरबियन सी इन द वेस्ट, ईस्टर्न और अरेबियन सी, दमन गंगा रिवर इन द नॉर्थ एंड द येटादू। केरला हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबका आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पहला दूसरा तीसरा कम से कम याद होना चाहिए। और उड़ीसा की कितनी लेंथ है, चिल्का झील कहाँ पर है, कलिंग का ओल्डेस्ट नेम क्या है, द कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक इज द कन्नर विच इज दिस लेंथ है, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट विद अ कोस्टल लेंथ ऑफ 160, वो ऑप्शन में कर ही लेंगे, गोवा सबसे छोटा होगा, हालांकि ये टूरिस्ट स्पॉट के लिए एक अच्छा जगह मान रहा है। कोस्टल प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड पूर्वा मेदिनीपुर एंड द साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट विच हैज द कोस्ट लाइन ऑफ 157 लॉन्ग। हाँ? कोई बात नहीं, पूर्वी मेदिनीपुर होगा। द सुंदरबन डेल्टा इज द वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कल भी पढ़े थे आप। ये तीसरा सबसे बड़ा, और ये सब हटाइए, मैंग्रोव एक प्रकार का टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो उधर कांडला राजस्थान के कच्छ वाले एरिया में और इधर वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। हाँ ये हमारे काम का है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, अराउंड 95% ऑफ इंडिया ट्रेडिंग ऑफ वॉल्यूम एंड 70% बाई वॉल्यूम इज डन थ्रू द मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट। आप विदेश मंत्रालय में जाएंगे तो आपका आपको भेजा जाएगा किसी एयरपोर्ट से, हवाई जहाज से, लेकिन जो आपका सामान जाएगा उसी एयरपोर्ट से जाएगा, 1-1.5 महीने बाद पहुंचेगा, तब तक आपको होटल होटल की सुविधा दी जाएगी, तो आपको मजा आएगा। इट इज सर्विस्ड बाई 12 मेजर 11 गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट, अभी पढ़ेंगे यही काम का क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्राइवेट वाला है, तो आप तमिलनाडु में पढ़ेंगे। 187 नोटिफाइड माइनर, वहां पे लगभग हमने 200 लिखा था, यहाँ पर एग्जेक्ट है 187।
पोर्ट ब्लेयर विच इज वाज नोटिफाइड एज अ मेजर पोर्ट बट नाउ इट इज रिमूव्ड, अभी हमने इसको हटा दिया बड़े पोर्ट से। अब ये हमारे काम का क्वेश्चन है कि कौन सा वेस्टर्न पार्ट में है कौन सा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा भी आपको लोकेशन का आइडिया रहेगा तब भी आप कर लेंगे। कांडला गुजरात में, कांडला भारत का एक मार्ट टाइडल पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह है, भारत का पहला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन यही बना था, एशिया तो गलत है चाइना है पहला, कोई बात नहीं है उसको ठीक करेंगे। बेसिकली हम प्रपोज करने वाले पहले थे लेकिन चाइना ने सबसे पहले सेज बना लिया। हमने ईपीजेड जरूर बनाया कांडला में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये दोनों क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, ये 900 IC को कहेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद, फिर मरमागांव और मैंगलोर और कोच्चि, तो कितने दिख रहे हैं बच्चों, छह दिख रहे हैं, छह इधर छह इधर, तो 12 लगभग बराबर हो जाएंगे। एक हम मात्र पढ़ेंगे रेबेरियन, कुछ बोल रहे गोवा के बारे में, मरमागांव गोवा ये, तो ये हमारा हो गया साथियों वेस्टर्न, कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नोवा सोबा या जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, मरमागांव गोवा, मंगलोर कर्नाटक और कोच्चि केरल। यदि वहां पे गोवा नहीं लिखा है तो गोवा लिख सकते हैं, लिखा होगा ना, नहीं लिखा है, हाँ बच्चे कोई बात नहीं, वैसे वैसे मरमा गांव है, गोवा लिख जरूर दिया है मरमा गांव है। चले कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट, ज्वारी बंदरगाह, बेसिकली शिप को चलने के लिए क्या चाहिए, मान लो यहां पानी कम है तो छोटे शिप यहां पे चल सकते हैं, तो बड़े शिप के लिए क्या चाहिए, यहां पर पानी का लेवल ज्यादा चाहिए क्योंकि उसका बेस क्या होगा, ज्यादा गहरा होगा, तो जब ज्वार आता है तो पानी यहां पे भर जाएगा, तो इजिली यहां पे नाव आएगी, यहां से उतार लेंगे और एक फिक्स टाइम पर वो ज्वार वापस जाएगा। 12 घंटे 26 मिनट का 56 मिनट का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कभी मिलेगा मौका तो पढ़ा देंगे। तो ये हमारा टाइडल पोर्ट वाला काम है, समझ पा रहे हैं कि ज्वार के साथ पानी आएगा, नाव आ जाएगी, उस पर्टिकुलर टाइम पर नाव को खाली कर दिया जाएगा और कुछ रखना हो तो रख देंगे और फिर पानी के साथ वो वापस चला जाएगा। तो ये भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है, यूट्यूब पे बोलेंगे तो अभी दिखा देंगे, आपने देख लेंगे कि टाइडल पोर्ट कैसा होता है, एक डेढ़ मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है। लार्जेस्ट पोर्ट सर्विंग इन नॉर्दर्न, लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट। कांडला वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1950 एज द चीफ सी पोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इन इंडिया ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिविंग पोर्ट ऑफ कराची। समझ पा रहे हैं, कराची के जाने के बाद हमें इस पोर्ट की जरूरत पड़ी। तो अब लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाई द वॉल्यूम ऑफ कार्गो, आप सोच के बताओ ये प्राय नेचुरल होगा आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल होगा आर्टिफिशियल होगा क्योंकि हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टेड किया है ना, सुविधा जरूर नेचुरल होगा लेकिन बनाया गया है आर्टिफिशियल। चल कांडला पोर्ट वाज रीनेम्ड एज, हाँ ये आपको जाना चाहिए, अंडर द इंडियन, लेकिन अभी इसका नया नाम और बोल दिया है, कांडला पोर्ट जिस दिन कलकत्ता पोर्ट का नाम बदला था उसी दिन कांडला पोर्ट का भी नाम बदला है, उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसका कुछ और है, देखो तो न्यू नेम ऑफ कांडला पोर्ट, इन्हीं के नेता हैं, क्या नाम है, श्याम प्रसाद मुखर्जी उधर हो गए, एक और नेता, फिर नेता के नाम पे ही जिसको दीनदयाल उपाध्याय, देखना भाई, तो ये आपने लिखना है, तो हमने कहा कांडला दीनदयाल उपाध्याय उसको लिख लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय, नाउ इट इज नोन एज दीनदयाल उपाध्याय, हाँ महाराजा वाला तो 1908, हाँ कौन क्या क्या हुआ, रोहित हैं कोई, तो कोई बात नहीं, नहीं होंगे। कांडला सीपोर्ट इकोनॉमिक जोन वाज द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश इन इंडिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया और एशिया लिख जरूर रहे हैं लेकिन ये स्पेशली इंडिया में पहला है, वर्ल्ड का पहला चाइना में जाएगा, और एस्टेब्लिश इन 1965 द पोर्ट ऑफ कांडला सेज इज द बिगेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट। हाँ प्रश्न है कि सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, तो मुखर्जी नगर को समझ रहे हैं,
अभी दर्जा नहीं है लेकिन वैसा ही होता है, मतलब हमने किसी खास एरिया को किसी खास क्षेत्र के लिए अपडेट कर दिया कि ये पार्टिकुलर जगह, जैसे आप जब दिल्ली से आते हैं तो बीच में एक पड़ता है राजीव गांधी सिटी राइट साइड में, तो बेसिकली वो फ्यूचर का प्लान था भारत सरकार का, एजुकेशन सिटी लिखा हुआ है कि वहाँ बाहर वर्ल्ड की सारी ए क्लास की यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे और वहीं पे सारे बच्चे आकर के पढ़ेंगे। पिछली सरकार का था, अभी वो खत्म हो गया, अब होगा भी नहीं क्योंकि मोदी जी ने परसों कहा है कि अब हम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे और सीट का लिमिटेशन नहीं रहेगा, तो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं अब कोई वैल्यू वैल्यू रहेगी नहीं, कॉलेज में क्यों आएगा बच्चा, एक तो सीट का लिमिटेशन और वो, तो आने वाले टाइम में मान लो उस सिटी को हम उस एरिया को हम क्या कहते हैं सेज, लेकिन किसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो अब इससे दो फायदा हुआ किसको, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ आएगा और एक विद्यार्थी आ जाएगा कि वहीं पे मिल जाएगा सब चीज़। अब इस पार्टिकुलर एरिया में इंस्टीट्यूशन क्यों आए, तो हमने कहा कि जी इस एरिया में काम करेंगे तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे, इस एरिया में काम करेंगे तो हम फी बिजली का बिल आपका कम रखेंगे, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे, वाटर सप्लाई देंगे, तो इससे दोनों तीनों पर्पज पूरा हो गया। और इसी के कारण वहां के आसपास के एरिया भी ग्रोथ करेंगे, आपके यहाँ पे रहने से ही 2-4-10 लोगों को जॉब मिल गया आसपास के लोगों को, नहीं सोचो एक बहुत बड़ा कैंपस बनता हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगता हो तो ऑटोमेटिक होगा, दैट इज सेज, ताकि उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर पाए। चलिए, तो हमने कहा फर्स्ट ईपीजेड था, पहले बना था ईपीजेड, यानी वो इंडस्ट्री जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए काम करेगी, अब हमने क्या कॉन्सेप्ट कर दिया सेज का, कि कोई जरूरी नहीं एक्सपोर्ट के लिए, किसी भी पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हम सेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चले मुंबई, इट इज अ नेचुरल हार्बर, प्राकृतिक बंदरगाह है, ये बड़ी कंफ्यूजन रहता है ध्यान रखना एग्जाम में, नेचुरल प्राकृतिक, तो ये आपको लास्ट में एक बार याद करना होगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग भी मिल जाएगा, तो हमने कोशिश किया सभी के सामने लिख दें कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल। लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाई साइज एंड ट्रैफिक, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में इसे मानते हैं, लगभग हर पोर्ट में लिखा हो, जैसे पीछे वाले में भी लिखा था कि बीजी और ये, लेकिन ये वाला मुंबई वाले में चलेगा, मुंबई वाला सबसे बड़ा पोर्ट, और एक नो है उसके साथ में जो नवासोवा वो भी चलेगा, तो दोनों में आएगा, तो ये सबसे बड़ा पोर्ट। इट इज द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विच हैंडल द 1/5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ द इंडिया फ्रॉम इट्स इस्टेब्लिशमेंट, द पोर्ट हैज बीन गेटवे ऑफ इंडिया एंड वॉज अ प्राइमरी फैक्टर इन द इमरजेंस ऑफ द मुंबई एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, शुरुआत तो का आधार ही था व्यापार का सी, तो इसलिए वहां पे आज भी ये कैपिटल कॉमर्स ऑफ ट्रेड के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। मुंबई एक्सपेंडिंग ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन प्रेशर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पोर्ट बाई 1970 इट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवासोवा पोर्ट एज द एक्सेस मुंबई हार्बर इन द नवी मुंबई ऑन द कोंकण मेनलैंड, तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए हमने और क्या बना दिया है नवासोवा बना दिया, तो नवासोवा कैसा होगा आर्टिफिशियल होगा। नवासोवा बिगेन द प्रेशर इन 1989 द मोस्ट कंटेनर ट्रैफिक नाउ फ्रॉम द थ्रू द नवासोवा। नवासोवा का दूसरा नाम क्या है साथियों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इट वॉज एस्टेब्लिश टू रिड्यूस द ट्रैफिक ऑफ मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई पोर्ट पढ़ी लिया आपने, इट इज द मोस्ट मैकेनाइज एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट पूछा जाए तो मुंबई, लेकिन लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पूछा जाए तो नवासोवा, दोनों बातें अलग अलग हैं। एंड द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया लोकेटेड इन द ईस्ट मुंबई ऑफ नवी मुंबई महाराष्ट्र, इट इज द पोर्ट ऑफ अरेबियन सी एक्सेस इन द बाय थाने क्रीक, द कॉमन नेम ड्राइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ नवासोवा विलेज, क्लियर है, मरमा गांव या मरमा गोवा, तो मरमा गांव, इट इज एस्टेब्लिश इन द एस्टुरी ऑफ द रिवर जुआरी, ये शायद आ गया है कि मरमा गांव किस नदी के इर्द गिर्द है, जुआरी रिवर के, हैंडल इन द आयरन एक्सपोर्ट, दिस पोर्ट इज द कोस्टल पोर्ट ऑफ गोवा कमीशन इन 1885 एंड द नेचुरल हार्बर, ये हमारे लिए एक पॉइंट है। इट इज वन ऑफ ओल्डेस्ट, नॉट ओल्डेस्ट, वन ऑफ ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में हम पढ़ाएंगे कोलकाता, ये पुराने बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है और नेचुरल है, तभी तक हमने चार पढ़ा, चार में कितने नेचुरल आ गए दो और कितने आर्टिफिशियल आ गए दो।
द पोर्ट वॉज रिकोगनाइज एज अ मेजर पोर्ट इन 1963 अंडर द एक्ट ऑफ 1963 एक्ट शॉर्टली द लिबरेशन ऑफ गोवा. द पोर्ट इज कनेक्टेड बाई ऑन रेलवे लाइन विद द ईस्टर्न फाइल मर्मा गोवा रेलवे स्टेशन सिचुएटेड इन द कंपाउंड. एमपीटी इज कंस्ट्रक्टेड बाई द रोड ऑफ एमपीटी बाई मर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट नेशनल हाईवे 17A मैंगलोर कर्नाटक. हैंडल द आयरन एक्सपोर्ट फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस. इट इज अ डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट ऑफ पनंबूर मैंगलोर इन कर्नाटका स्टेट विच इज द डीपेस्ट इनर हार्बर ऑफ वेस्ट कोस्ट. ध्यान रखना अभी तक हमने डीपेस्ट सिर्फ वेस्ट कोस्ट का पोर्ट का बताया है, ओवरऑल डीपेस्ट नहीं बताया है. द वनली मेजर पोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड द सेवेंथ लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. ये तो कोई दिक्कत नहीं है. NMPT has received Green Tech Environment Award 2014 को जरूरत नहीं है. The National Highway NH66 passes the port, ये भी जरूरत नहीं है. कोची बेस्ट पोर्ट इन द ईस्ट, समझ पा रहे हैं, है वेस्ट में लेकिन ईस्ट के रूप में कहा जा रहा है. मतलब क्या है, वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए हम इसको माध्यम के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ये उपनाम दिया हुआ है. तो ये नहीं आपको एग्जाम में है कि वेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्ट कौन सा है, तो आपको ये तो वेस्टर्न घाट का, ये तो नहीं ही होगा. तो ये चीज भी ध्यान रखना है. ये किसी बालक का फोन है. कोचिन पोर्ट और कोची पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट ऑफ अरबियन सी लक्कादीव सी इंडियन ओशियन रूट इन द सिटी ऑफ कोची. क्लियर है. और ये भी कैसा है, नेचुरल हार्बर है. तो 6 में कितने अभी तक नेचुरल आ गए, हाँ बताओ. अभी कहीं नेचुरल पढ़ाया था क्या, न्यू मंगलोर में था नेचुरल, कुछ भी नहीं था ना, तो उसको आर्टिफिशियल मान के चलना है. एक बार पढ़ ही लेते हैं कहाँ था. डीपेस्ट इनर पोर्ट, लार्जेस्ट पोर्ट, अवार्डेड आयरन एक्सपोर्ट, हाँ तो आर्टिफिशियल ही लेके चलेंगे. ऑल वेदर पोर्ट कर्नाटक. कोचिन पोर्ट ऑफ कोची पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट ऑफ अरबियन सी, ये हो गया. द पोर्ट लाइज ऑन टू आइलैंड ऑफ लेक ऑफ कोची, विलिंगटन आइलैंड एंड द बोलापडम टुवार्ड द फ्रंट पोर्ट कोची रिवर माउथ ओपनिंग इन टू द लक्कादीव सी. हटा देते हैं. द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट ऑफ द कोचिन पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर ट्रांस. हटाओ तो ये कोचिन पोर्ट वॉज द फॉर्म नेचुरली ड्यू टू द फ्लडिंग ऑफ द परियार रिवर इन, सोच रहे हो, 1341 में. एंड ओवर टाइम हैज बिकम अ मेजर फ्लैगशिप मेन पॉइंट ऑफ द ट्रेड. ये तो हो गया वेस्टर्न का 6. अब ईस्टर्न का कोलकाता, पारदीव, विशाखापत्तनम और ये एकमात्र स्टेट. नहीं नहीं नहीं, रिबेलियन पोर्ट भारत लार्जेस्ट में सिर्फ कोलकाता वाला है. नहीं, रिवर के पास है लेकिन रिबेलियन पोर्ट नहीं है. अच्छा एक फैक्ट और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पोर्ट कहाँ पे हैं, तो करना है महाराष्ट्र में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्ट. और सबसे ज्यादा बड़े पोर्ट कहाँ पे हैं, तो करना है तमिलनाडु में, मेजर पोर्ट. मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट महाराष्ट्र, मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्जर पोर्ट तमिलनाडु, तीनों तमिलनाडु में. तो एक करके देखते हैं, तुतिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारदीप उड़ीसा, हल्दिया एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल. एंड पोर्ट ब्लेयर एंड अंडमान निकोबार अब तो मेन से हट ही गया है. तुतिकोरिन तमिलनाडु, इट हैंडल्स पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर एंड साल. बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट फॉर्मली वॉज द तुतिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट इज द वन ऑफ 12 लार्जर पोर्ट ऑफ इंडिया. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ लार्जर पोर्ट इन 1974 एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन तमिलनाडु एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ इंडिया आफ्टर सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट. ओपी चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट विल बी इंडियाज प्रीमियर पोर्ट, है ना. अभी सेतु समुद्रम को बीच में स्टक कर दिया गया, हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. एंड पोर्ट एंड वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑफ एशिया इक्वल टू द पोर्ट ऑफ सिंगापुर. इट इज अ आर्टिफिशियल पोर्ट. इट इज अ थर्ड इंटरनेशनल पोर्ट इन तमिलनाडु एंड सेकेंड एज वेल एज ऑल वेदर पोर्ट.
ही की जगह द होना चाहिए। द पोर्ट इज नेम्ड आफ्टर द वी ओ चिदम्बरम पिल्लई द एमिनेंट फ्रीडम फाइटर हु वॉज द वेल नोन एज द कोपालिट, क्या हिंदी में लिखा होगा, कपल्लो लोटिया थमीजहन मीनिंग द तमिलियन मैन हु रोड द शिप। ओके, जो जहाज पर सवार थे। बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट इज द वनली पोर्ट इन साउथ इंडिया टू प्रोवाइड द डायरेक्ट वीकली कंटेनर सर्विस टू द यूनाइटेड स्टेट, ये कोई जरूरी नहीं। देर आर रेगुलर वीकली डायरेक्ट सर्विस टू यूरोप, कोई जरूरत नहीं। चेन्नई आर्टिफिशियल, अब कह रहे हैं कि सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट आफ्टर मुंबई, तो इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आर्टिफिशियल वाले पे ध्यान देना है। चेन्नई पोर्ट इज फॉर्मली नोन एज द मद्रास पोर्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया बिहाइंड द मुंबई नवासुबा। इट इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द वे। अब ये पूछा जाए कि ईस्टर्न पार्ट का सबसे बड़ा कौन सा है, तो चेन्नई हो जाएगा। और द थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द 12 मेजर पोर्ट इन इंडिया विथ द ऑफिशियल पोर्ट इन बिगिनिंग इन 1881 थ्रू मेरी टाइम ट्रेड स्टार्टेड मच अर्लियर इन 1693। तो एक ऐसा पोर्ट है बच्चों आर्टिफिशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एनोर, ये हमारा प्राइवेट है और ये हमारे काम का क्वेश्चन है। इट वॉज इस्टेब्लिश नियर चेन्नई टू रिड्यूस द ट्रैफिक ऑफ चेन्नई पोर्ट, इट वॉज फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट ऑफ इंडिया, बल्कि एक ही है अभी लार्जर वाले में। इशम कमराजार पोर्ट लिमिटेड फॉर्मली एनोर पोर्ट इज लोकेटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ 18 किलोमीटर चेन्नई पोर्ट, चेन्नई दिस 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 दिस। द कामराजर पोर्ट लिमिटेड इज द वनली कॉर्पोराइज मेजर पोर्ट एंड इट इज अ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। विशाखापत्तनम, यही ढूंढ रहा था मैं, सबसे गहरा पोर्ट, सबसे गहरा बंदरगाह। इट हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान एंड इट इज अ नेचुरल हार्बर। हाँ, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल ये आपको आइडेंटिफाई कर लिए तो बात बन जाए। हाँ? ये भी आया था तो मेरे भाई हर कुछ पढ़ना, फिर मैं तो ये कहने वाला था कि ये छोड़ देना, मैंने छोड़ ही दिया, बल्कि आएगा उसी हमारे बुक से ही, ये आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि सोर्स हमने उठाया वहीं जहां से क्वेश्चन बना रहे। तो यदि ये आया है कि जो आयरन और जापान को कर रहे हैं, तो पीछे भी जो जो लिखा हुआ था ये सब पढ़ते रहिएगा। इट इज नेचुरल हार्बर एंड प्रोटेक्टेड द मानसून स्पेल्स बाय हेल नेम द डॉल्फिन नोज, ये भी पूछ सकते हैं। इट इज, जब ये पूछ सकते हैं लाइन, तो ये लाइन भी उठा के पूछ सकते हैं। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स। विशाखापट्टनम पोर्ट इज वनली मेजर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में चला गया, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ये चौथा आ गया मेरे दिमाग में, चला तीसरा चल। विशाखापट्टनम पोर्ट इज वनली मेजर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्गो। अब देखो ये सब सेंटेंस वाइज हर जगह कन्फ्यूज करेगा, तो ऐसे वाले के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो जनरली हम बता रखे वही। इट इज लोकेटेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड लोकेटेड इन द मिडवे बिटवीन द चेन्नई एंड कोलकाता पोर्ट। और पारदीप उड़ीसा नेचुरल एंड हैंडल्स एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तुम लोगों ने विवेक दीपक, तुम लोगों ने जो पुराने वाले हो क्यू आई पी संभाल कर रखे हो ना, उसको लास्ट में रिविजन भी करना है, उसका भी टारगेट मिलता है अभी नहीं, लास्ट में 15 मार्च के बाद। यदि आप पूरे साल पढ़े और उसको रिविजन नहीं करते हैं, तो आपका सारा पढ़ा हुआ कोई फायदा नहीं, सिर्फ पढ़ते जाने से हो जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं, रिविजन ज्यादा जरूरी है और दिमाग ज्यादा तेज क्लिक करे, क्योंकि दिमाग को मैसेज आएगा तो पढ़ा ही है तो ये तो आता ही है, ऐसे करे अभी से कर दो तो और अच्छी बात है। पारदीप इज अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट इन द जगदीश जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, सिचुएटेड इन द कन्फ्लुएंसेस ऑफ द महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल। इट इज सिचुएटेड 210 नॉटिकल माइल्स साउथ ऑफ कोलकाता एंड 260 नॉटिकल माइल नॉर्थ ऑफ विशाखापट्टनम, ये कोई जरूरत नहीं। लेट बिजू पटनायक द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इज द फाउंडर ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ द पारदीप पोर्ट। इट इज अ वनली मेजर पोर्ट इन स्टेट ऑफ उड़ीसा सिचुएटेड इन
21 नॉटिकल माइल साउथ ऑफ कोलकाता एंड 26 नॉटिकल माइल नॉर्थ ऑफ विशाखापट्टनम द ईस्ट कोस्ट ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल। चले हल्दिया और कोलकाता, दे दिज आर द रिवेरियन पोर्ट, और कौन से पोर्ट रिवर पर? हुगली। इसी के लिए हमने कौन सा बैराज बनाया हुआ? फरक्का बैराज, ताकि यहाँ पर ऑल सीजन पानी रह सके। दिस हैंडल द ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इट कनेक्ट द ओशियन बेस्ड डॉकयार्ड इन कोलकाता डायमंड हार्बर। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया आप साथियों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। इट इज ओनली रिवेरियन पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एकमात्र नदी द्वीप नदी बंदरगाह, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता एंड अराउंड द 203 फ्रॉम सी। हाँ, सबसे पुराना बंदरगाह पूछा जाए जो अभी काम कर रहा है तो कोलकाता वाला ही। वैसे सबसे पुराना जो काम नहीं करा, वैसे सबसे पुराना पूछा जाए तो हड़प्पा काल में कौन सा मिला था आपको? लोथल। ठीक, कोलकाता इज द फ्रेश वाटर पोर्ट विद नो वेरिएशन इन सेलिनिटी। सिंपल सी बात है, रिवेरियन है तो सेलिनिटी का कोई कारण नहीं है। इन 12 जनवरी 2020 पोर्ट वॉज रिनेम्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दिस ये हटा दो, इकोनॉमिक इंडोर स्टेडियम। पोर्ट ब्लेयर इट वाज, है ना, 13th, बट अब नहीं है। कुछ बुकों में मिल जाएगा या पुराने क्वेश्चन आज भी एक आएगा तो उसमें मिलेगा। द पोर्ट वॉज ऑपरेटेड बाई पोर्ट पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट, द मेजर प्रोविजन ऑफ मेजर पोर्ट ट्रस्ट वॉज एक्ट 1963 हैव बिकम द एप्लीकेबल टू द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2010। तो ये तो हो गए कुछ हमारे थियरी वाइज। क्या यही क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यू में? नहीं, पहले एमसीक्यू में यही है तो कर लेते हैं पहले एक बार। विश्व के 30 कंटेनर बंदरगाहों में सूची होने वाला एकमात्र बंदरगाह तो कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा। विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? आप पहले ढूंढिए आर्टिफिशियल कौन है, एक ही है तो आप अपने आप कर लेंगे। कौन सा था? चेन्नई। विच पोर्ट इज द नेचुरल हार्बर इन द वेस्ट कोस्ट? अब नेचुरल ढूंढना है तो पहले तो ये हटा ही दो, ईस्ट में है ही नहीं, ये ईस्ट में है ही नहीं। कोची था, कोची तो केरल में है तो ईस्ट में ही होगा। अच्छा, क्या वेस्ट का? यहाँ एनोर नहीं होगा, तो इन दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बस कौन सा गया? कोची। हाँ, मर्मागांव पोर्ट इज लोकेटेड इन गोवा। किसको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं? नोवा सोवा। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड विशाखापट्टनम एंड मर्मागोवा। हाँ बताइए, विशाखापट्टनम जापान वाला जो था। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स हैंडल द लार्जेस्ट वॉल्यूम फॉर फॉरेन ट्रेड? बॉम्बे। विच इज द बिगेस्ट हिंडरलैंड पोर्ट इन इंडिया? समझ रहे हैं हिंडरलैंड का मतलब अंदर की तरफ, तो कौन सा? मुंबई। मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह सूरत, पहली फैक्ट्री भी लगी इनकी। भारत का सबसे नया बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर था, अब तो है ही नहीं, तो वो उस समय का क्वेश्चन। अब इसमें से कौन होगा? मान लो कांडला तो पुराना था, एनोर और पारदीप, तो एनोर हो जाएगा। पारदीप पोर्ट कहां पर? उड़ीसा। एनोर पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कामराज। किस में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र? तमिलनाडु एकमात्र। क्या था? एनोर। कोई बात नहीं, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का समुद्री बंदरगाह शुरू किया गया।
तमिलनाडु करो, गलत दिया। हाँ तमिलनाडु होगा। हाँ दोनों में कैसे आएगा? तमिलनाडु में हिंद महासागर का सबसे व्यस्त बंदरगाह, इंडियन ओशन का, बीजेएस बताइए। ठीक, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तुतीकोरिन, सबसे नीचे तमिलनाडु तुतीकोरिन। विच पोर्ट इज नोन एज ज्वेल ऑफ ऑल पोर्ट्स, सभी बंदरगाहों का गहना, विशाखापट्टनम। ट्रेड के सेंस में कह रहे होंगे या प्रोडक्टिविटी के सेंस में कह रहे होंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि नहीं वो तमिलनाडु का था। ठीक, बेंगलोर इज द चीफ पोर्ट सिटी इन स्टेट ऑफ कर्नाटक, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। शंघाई बस कुछ साल और, हर कुछ चाइना में। सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता, सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू, कितने मेन 12। उसमें और है क्वेश्चन? कुछ है ना, बीचेज वाले हैं या पोर्ट वाले हैं? पोर्ट नहीं, क्या है वो? आ जाएगा क्वेश्चन, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। ब्लू फ्लैग वाला आया था अभी एग्जाम में, है ना? भारत के लोकप्रिय समुद्र तट, पॉपुलर बीचेज ऑफ इंडिया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है? द ब्लू फ्लैग इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी इको लेबल अवार्डेड टू द बीचेज, मैरीन एंड द सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स। एक ऐसा पोर्ट जिसने इन्वायरमेंट को लॉस नहीं पहुंचाया है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के तहत, गाइडलाइन के तहत कार्य कर रहा है। लास्ट ईयर आया इस पे क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द ब्लू फ्लैग, अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंजेंट इन्वायरमेंट, एजुकेशनल सेफ्टी एंड द एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एंड मेंटेन। देयर आर नियरली 33 क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मीट टू द क्वालिटी ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, सच एज द वाटर मीट्स सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, हैविंग वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी, बींग द डिसेबल फ्रेंडली, हैव फर्स्ट एंड इक्विपमेंट एसेट्रा। द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम वॉज बीचेज एंड द मैरिन रन थ्रू द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फी, द फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। द सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड बाई द इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन बेस्ड ऑन 33। ये हो चुका किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। अगला है बाथिंग वाटर क्वालिटी। अच्छा, ये सबका 33 क्राइटेरिया हटा देंगे। स्पेन टॉप्स द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 566 सच बीचेज, पहले नंबर सबसे ज्यादा किसके पास है? ग्रीस एंड फ्रांस हैज 559, 395 रिस्पेक्टिवली। टू हेल्प मेन बीचेज मीट द क्राइटेरिया, द मिनिस्ट्री हैज अलाउड द कंस्ट्रक्शन सच कंटेनर, टॉयलेट ब्लॉक, चेंज रूम, सोवर पैनल, मिनी गेटवे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन क्रॉड दिस। अच्छा, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता से संबंधित होगा। इन क्लोज स्ट्रक्चर, मिनी सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, वही सारे क्राइटेरिया हैं किस किस चीज को आधार बनाकर। हाँ, अब हमारे वहां किसको किसको मिला है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन कौन से हैं? घोगला बीच कहाँ पर? दीव। और देखो ये अपने आप में कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हमारे काम का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मिल जाएगा तो करंट का हो जाएगा, लास्ट ईयर आ भी चुका है क्वेश्चन। और दूसरा,
गोगला बीच कहाँ है? दीव। ये अनलिमिटेड है, लेकिन हमने कोशिश किया कि कुछ क्राइटेरिया आपको आगे और मिलेगा स्टेट का। शिवराजपुर कहाँ पर? गुजरात। भोगोई महाराष्ट्र। पुदुबिद्री और कासरगोड कहाँ? कर्नाटक। कपाड़ केरल। कोलम केरल। एडान पुडुचेरी। ऋषि कोंडा आंध्र प्रदेश। मीरामार गोवा। गोल्डन बीच उड़ीसा और राधानगर बीच अंडमान निकोबार और बनग्राम बीच लक्षद्वीप। द चंद्रभागा बीच ऑन द कोंकण कोस्ट ऑफ उड़ीसा इज द फर्स्ट टू गेट द ब्लू फ्लैग। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रभागा बीच उड़ीसा का। हाई टाइड लाइन क्या है? मीन्स द लाइन ऑन लैंड अप टू द विच द हाईएस्ट वाटर लाइन रीचेज ड्यूरिंग द टाइड। समझ पा रहे हैं? ज्वार आएगा तो कितना ऊंचा तक जा सकता है। लो टाइड लाइन क्या हो गया? अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स द लाइन ऑन द लैंड ऑफ विच ऑफ द लोवेस्ट वाटर लाइन रीचेज द ड्यूरिंग द टाइड्स। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट में भी यहां पर दिए हुए हैं वर्ल्ड के, जैसे 80 माइल बीच कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कॉक्स बाजार, अब कॉक्स बाजार आ चुका है आपके एग्जाम में। कॉक्स बाजार बीच बांग्लादेश, कल परसों ही आया था सर टेस्ट में, आ जाएगा। द साउथ बीचेज मियामी यूएसए। बॉन्ड आई बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया। संता मोनिका बीच कैलिफोर्निया यूएसए। माया बे थाईलैंड। वाइट हेवन बीच ऑस्ट्रेलिया। वाइकेकी होनोलुलु हवाई। नोवागी बीच ग्रीस। और गल्फ और बे क्या होते हैं? बे इज अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड। ये हमारा लैंड है, जब तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है इसको क्या कहेंगे हम? न, इसको पेनिनसुला कह रहे हैं। जब लैंड तीन तरफ वाटर से घिरा हो, जब वाटर तीन तरफ के लैंड से घिरा हो तो उसको क्या कह रहे हैं? बे कह रहे हैं। वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द लैंड, क्लियर है? जैसे बे ऑफ बंगाल तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ये हैज अ वाइडर ओपनिंग देन द टोटल लेंथ। ये बे और गल्फ में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। गल्फ इज द वाटर बॉडी सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड हैज अ लार्जर लेंथ एंड द नैरो ओपनिंग। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, अमेरिका का क्या नाम भूल जाता हूँ। ठीक, जल संधि आप समझते ही हैं, दो लैंड के बीच में पानी या दो लैंड को जोड़ने वाला पानी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, नहीं उधर सबसे बड़ा वाला, मतलब ये मान लो नॉर्थ अमेरिका का मैप है तो ये और इधर यूरोप, तो इनके बीच में जो है बेरिंग स्ट्रेट। अ लार्जर स्ट्रेट इन नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। पेनिनसुलर गल्फ, तो पेनिनसुला समझ रहे हैं तो गल्फ समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा? अरब पेनिनसुला। अरब अरब अरब। द सम कंट्रीज द मिडिल ईस्ट ऑफ नोन एज द गल्फ कंट्रीज बिकॉज दे सिचुएटेड अराउंड द पर्सियन गल्फ। गल्फ कंट्रीज आर, तो ये भी आपको जीके वाइज जानना चाहिए कि गल्फ कंट्री में किसे किसे रखते हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ द ऑयल ट्रांसपोर्ट। हडसन बे, हडसन बे ओपन इन द आर्कटिक ओशियन। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ, यही ढूंढ रहा था मैं। हाँ, अमेरिका में है। हाँ, अमेरिका में, यूएसए में। गल्फ ऑफ मेक्सिको ओपन द कैरेबियन सी। गल्फ ऑफ अलास्का ओपन द, है अमेरिका के पास ही, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका कहने का मतलब है। गल्फ ऑफ अलास्का ओपन इन द पैसिफिक ओशियन। गल्फ ऑफ गिनी ओपन इन अटलांटिक ओशियन। गल्फ ऑफ कैडीज इन अटलांटिक ओशियन। गल्फ ऑफ जिब्राल्टर इज अ नैरो स्ट्रेट दैट कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। पेनिनसुला जानी गए तीन तरफ से घिरा होता है और इट इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑफ थ्री साइड कनेक्ट टू द मेन लैंड ऑफ वन वन साइड। सिनाई पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ एशिया एंड रेस्ट ऑफ इजिप्ट इन अफ्रीका। गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकाबा।
गल्फ ऑफ स्वेज इज बिटवीन द इजिप्ट एंड सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकापा इज बिटवीन द सिनाई पेनिनसुला एंड द इसराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। अब देखो ये मैप से करोगे तो बड़ी ईजी हो जाएगा। कल परसों कोई पूछ रहा था कि एटलस मंगवाए थे, एटलस का यूज नहीं है, यहीं पे एटलस का यूज है। और बोथ ओपन इन द रेड सी, विवाई कोरिया बे, बोथ ओपन इन द, ये देख लेना एक बार कहाँ कहाँ पे है ये वाला। आ जाते हैं क्वेश्चन यहां से, ये तो हो गया। गल्फ ऑफ अदन ओपन इन द अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया ओपन इन द अराफा सी, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ग्वादर बे कहां पर साथियों, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर पे, ये आ चुका है पुराने समय में जब एसएससी आता था तब। गल्फ ऑफ मन्नार हम जानते ही हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में। गल्फ ऑफ स्वेज, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्या, ऊपर वाला रिपीट हो रहा है ना, यहां तक ये भी हो गया। गल्फ ऑफ तोनकिन, तोनकिन कहां, साउथ चाइना सी में, और गल्फ ऑफ थाईलैंड कहां, साउथ चाइना सी में। हाँ, द पोर्ट ऑफ तोतीकोरिन इज द इंडियन कोस्ट, इट इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व, द गल्फ इज नोटेड फॉर इट्स पर्ल्स बैंक एंड सी काउ। द पाक स्ट्रेट, जैसे किसी ने पूछा था ना कि ज्वेल केव कह रहे हैं, तो ये उसका जवाब आपको मिल गया कि यहां पर तो वही क्या नाम था, विशाखापत्तनम। पाक स्टेट कहां पर है बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो किसको किसको जोड़ने का काम करेंगे, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। गल्फ ऑफ खंबात कहां पर, गुजरात वाले हिस्से में। गल्फ ऑफ खंबात किसके किसके बीच, साउथ गुजरात एंड काठियावाड़ पेनिनसुला। गल्फ ऑफ द गल्फ रिसीव मेनी रिवर्स इंक्लूडेड द साबरमती, माई, नर्मदा एंड ताप्ती। गल्फ ऑफ कच्छ इज बिटवीन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड द काठियावाड़ पेनिनसुला। हाउ तुतीकोरिन का है, बाद में नीचे चुप हो गए। अब यहां से काम का क्वेश्चन आपका शुरू हुआ, यह अपने आप में एक टफ टास्क है इसको रट पाना, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना होगा कि गुजरात में मेनली कौन सा है, थिताल, द्वारका, अहमदपुर, चौरवाड, ओखा, मिधी बीच, डांडी बीच, शिवराजपुर, तमास बीच, भारत बीच और गोकला बीच। तो ये कुछ हैं आपके गुजरात और दीव के। महाराष्ट्र में गणपति पुले, सारे स्टेट का दिया हुआ क्या, नौ के नौ का। कोई बात नहीं, गणपति पुले, जुहू बीच, माध आइलैंड बीच, मैरिन ड्राइव और कुंकेश्वर बीच और तरकारली बीच, करदे बीच, श्रीवर्धन बीच, हरेश्वर बीच, धनु बीच, बादवन पोर्ट इज नियर द बीच, गोराई बीच एंड मोस्ट फेमस बीचेज ऑफ गोवा, मीरामार बीच, पाले लेम बीच, अंजना बीच एंड बागातोर बीच, गालंगुट बीच, बागा बीच, कंडोलिम बीच और कलवा बीच, बेनालिम बीच और सिंकरियम बीच, दोना पावला बीच, कर्नाटक के ओम बीच गोकराना में है, पेरम्बूर बीच मैंगलोर में, कुंडले बीच गोकराना और मुरुंदेश्वर बीच, यहीं पर मुरुंदेश्वर टेंपल लॉर्ड शिवा को समर्पित है, करवार बीच और मारावांथे बीच, कौब बीच, मालपे बीच और उलाल बीच। इसके लिए परेशान नहीं होना है, कभी कभी इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे उस दिन हम नहीं पढ़ रहे थे क्या नाम है स्टेट के, एक पढ़ा रहे जिसमें अलग अलग चीज की आकृति बनती है, कोई ट्वाइज होता है, हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट से चार या पांच ही क्वेश्चन आए हैं, पूरा मैंने जाके बुक उठा लिया। हाँ वही, और जो थोड़े बहुत आए हैं वो जी आई टैग वाले हैं, तो दोनों तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, जी आई टैग में रख सकते हैं या हैंडीक्राफ्ट में रख सकते हैं। तो बोल, हाँ तो बहुत लिमिटेड होगा, वैसे भी आपने एक बार आइडिया लगाया होगा, दो तीन बार पढ़े होंगे, तो दिमाग जनरली नहीं होता तुक्का जो मारे होता है क्लिक होता है, वो एक्चुअली में ऐसे नहीं हो रहा है आपने पढ़ा है, क्योंकि चार में से तीन तो गलत है, तो 25% ही चांस है तुक्के का सही होने का, जो सच्चाई की बात है नहीं पढ़े हैं तो।
नहीं एलिमिनेट हो गया तब तो मार रही है, क्योंकि कटेगा तो 25%, आएगा तो 75%, तब तो दुगो में तो मारना फायदे में रहेंगे आप। और द मोस्ट फेमस बीचेज ऑफ केरला, कोबलम, बारकाला, बेकाल, तोडाबेटा, कुपाड, एंड मोस्ट फेमस ऑफ तमिलनाडु मैरिन बीच, मरीना है। मैरिन कहाँ पे था? मुंबई, महाराष्ट्र। चेन्नई बीच इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, ये शायद क्वेश्चन है। धनुषकोडी और इलियट बीच, कोविलेन, कन्याकुमारी, महाबलीपुरम एंड पुम्बार, द मोस्ट फेमस बीचेज ऑफ आंध्र प्रदेश, यारदा, ऋषिकोंडा, भूमिनीपट्टनम, मछलीपट्टनम, डॉल्फिन नोज, गंगावरम, लासेन बे बीच, रामकृष्णा बीच और भावनी आइलैंड बीच, एंड मोस्ट फेमस बीचेज ऑफ उड़ीसा, कोंकण नहीं है, कोणार्क है। चंद्रभागा बीच, ओनली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच इन इंडिया, हाँ पहला भी था, अभी तक ओनली है, यानी पहले बाद में आगे मिलेगा। पुरी बीच और गरी माता बीच, ओलाइव रिडली टर्टल्स आर फाउंड, कछुए, ये शायद टर्टल वाला आ भी चुका है कि कछुओं का कुछ बोलते हैं, हाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऋषि कुल्या बीच, ओलिव रेडली टर्टल्स आर ऑल्सो फाउंड, अर्यापल्ली बीच, गोपालपुर बीच, सागर द्वार बीच और अस्तरंगा बीच और बेतरकनिका बीच, बेतरकनिका शायद पड़े नेशनल पार्क, हाँ रामचंदी बीच, एंड मोस्ट फेमस बीचेज ऑफ वेस्ट बंगाल, दीघा बीच और गहिर माथा बीच और फराजगंज बीच, शंकरपुर बीच, बैकलाई बीच और सागरद्वीप बीच, डायमंड हार्बर बीच, मंडा मनी बीच, तेजपुर बीच और गंग सागर बीच, अंडमान निकोबार में राधानगर, लक्ष्मणपुर, एलिफेंट, वांडूर, कार्बेंस, दिगलीपुर और काला पत्थर बीच और भरतपुर बीच हो गया। सही, दो बार पढ़ोगे मेरे बच्चों तो अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इसका एक आसान तरीका क्या है, मैप देख देख के करोगे तो हो जाएगा। मेरी प्लानिंग तो थी कि इस पे करें लेकिन टाइम लगा नहीं, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट का तो दिमाग में थोड़ा ज्यादा क्लिक करेगा, हालांकि लास्ट में रटना ही पड़ेगा। यही सब था ना, विजयनगर, हरमिंदर, रामनगर, आंध्र प्रदेश, रामकृष्णा, मैपर, ठीक है। ये बेसिकली मैंने नेट से डाउनलोड करा था, वही जो कह रहा हूँ ताकि फिगर के सहित मिल जाए, तो मिला नहीं, उस वेबसाइट से आए थे। कई तरीके के दिमाग लगाना पड़ता है ना कि जल्दी कम समय में हो जाए। वो नहीं आया क्या जो दूसरा आना था, चाइना वाला नहीं आया? कोई बात, वो जो गया था वही नहीं आया। अच्छा,
10 चैप्टर हो गए। उनतीस चैप्टर नहीं, स्टैटिक वाले में 29 है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े तो 3 चैप्टर हो चुके हैं, अब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा स्पोर्ट्स वाले में और ऑर्गेनाइजेशन और फेस्टिवल में, बस उसके बाद तो मज़ा आ जाएगा ख़त्म। यदि हम इसी यही इस फ्राइडे को कितना तारीख है, संडे को कितना तारीख है, 27, ठीक। पूरा नहीं हुआ, कितने नंबर क्वेश्चन तक हुआ है, 20। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन्स फॉर्म द एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ द साबरमती, माही एंड एवरेस्ट तीन स्ट्रीम। यदि आपको पता है साबरमती और माही किधर की तरफ गिरते हैं तो आप इस क्वेश्चन को दिमाग से कर सकते हैं। तो किधर की तरफ, एक ही है वेस्टर्न फ्लोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द सह्याद्री एंड अरबियन सी, बताइए। वेस्ट कोस्टल प्लेन, गुजरात, क्या हम कह लें कि राजस्थान वाले हिस्से से, या तो बोलोगे तो मैं एक दिन इंडिया का फिजियोग्राफी करवा दूंगा, तो 3 क्लास बनेगी, लेकिन फिजियोग्राफी से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। स्टैटिक करके फिजियोग्राफी में, मतलब यदि हम ठीक से करते हैं, जैसे रिवर एक आपको करना है तो 6 वीडियो बनाया है, लेकिन अब बोलेंगे तो हम उसको कम में 3 घंटे में ख़त्म हो सकता है, तब आराम से कराते थे, और फिजियोग्राफी में भी 3 घंटे में निपट सकता है। नहीं, पहले स्टैटिक ख़त्म कर लेंगे तब। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन द इनलैंड बिल्ट इन द आइसोलेटेड हिल्स ऑफ आर्कियन और कोनाइसेस, बताइए किधर का, पूर्वी तट या पश्चिमी तट, कर्नाटका कोस्टल प्लेन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, देख रहे हो। मरीना बीच कहां पर है, कहां पे था मरीना, कर्नाटक को, सिर्फ कर्नाटक तक नहीं है ना, हाँ, एक मरीन था और एक दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नहीं एक मरीन पढ़ा था और एक दूसरा, हाँ तो ये मरीना, कोई बात नहीं। द मोस्ट फेमस मरीना बीच लोकेटेड इन चेन्नई, ईस्ट कोस्टल प्लेन, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ठीक करिए जी। 9 डिग्री कल ही पढ़ा था आपने, बताइए जल्दी से। अब तो ये तो आसान हो गया, जगह ही दे दिया, लेकिन था किसके किसके बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, टेन डिग्री बताइए, अंडमान निकोबार, तो बे ऑफ बंगाल है क्या, ठीक, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह मिडिल अंडमान, ये सब पहले आए हुए क्वेश्चन है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि टीसीएस वही क्वेश्चन टच कर रही है जो एसएससी ने पहले पूछे हैं, इसलिए उन 7 सब्जेक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट इनलैंड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटा, कमाल होगी भाई, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। साउदर्न पॉइंट, पेमलियन बिंदु या जिसी को सामान्य बोलचाल में इंदिरा पॉइंट के नाम से, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा क्रॉल, साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, कौन सा कहाँ जाएगा, बे ऑफ बंगाल, खत्म, ठीक। डिफेंस वाला भी नहीं करेंगे, हाँ, यूएन
यदि हिम्मत हो तो यूएन कर देते हैं। एक बीच में चैप्टर रह जाएगा कौन सा, 11 नंबर, और ये कौन से नंबर पर है, 12 है ना। चले, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और इस समय कुल कितने देश, 193। सबसे लास्ट में साउथ सूडान, साउथ सूडान का कैपिटल जुबा है ना, और फिलिस्तीन अभी इसमें किस रूप में ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में है, इन्हें इन फ्यूचर ये मेंबर बन सकता है। और यूएन की स्थापना का जो बेस माना जाता है किसे, लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को स्थापित किया गया इस उम्मीद से कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया है दुनिया में, दूसरा वर्ल्ड वार न हो, ताकि शांति से। अच्छा, यूएन का लॉ किसी भी देश पर बाध्यकारी नहीं है, यूएन इज अ मीडिएटर, विवादों को सुलझाने का काम कर सकता है, बस सुझाव के रूप में, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो और क्वेश्चन आता है लीग ऑफ नेशन किसके प्रयासों से, तो वुड्रो विल्सन के प्रयासों से, इस बात के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। और लीग ऑफ नेशन को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड ऑफ वार, युद्ध के बच्चे के रूप में जाना जाता है। लीग ऑफ नेशन में ये रहा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सबसे पुराना आईएलओ, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना कौन सा आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आता है यूनाइटेड नेशन वर्ड किसने डिजाइन किया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यूज किया गया, और इट वॉज यूज इन द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, वेन 26 रिप्रेजेंटेटिव आर पार्टिसिपेटेड। और इसका ब्लू प्रिंट कब तैयार किया गया, ओकस कॉन्फ्रेंस 1944, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमें लगा कि नहीं, लीग ऑफ नेशन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाया, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने फिर प्रपोजल किया, और किसका, यूएन का, और ओक्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1944 में डिसाइड हुआ, और 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित कर दिया गया। और 24 अक्टूबर को हर साल हम यूएन डे मनाते हैं, और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, पल्स पोलियो डे है ना, तो ये दोनों तरीके से आपको याद रखना है। एक बार वो देखो तो डे डेज में 24 अक्टूबर को कुछ और है क्या, देखते हैं 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, नीचे थियरी में देखो, यहाँ आया चलो ठीक है, शायद है अभी के लिए गूगल है तो एवर कर लो पोलियो डे, क्योंकि तभी मेरे दिमाग में आ रहा जब होगा, ऐसे तो होगा ना, पोलियो डे। चौबीस अक्टूबर को मना रहे हैं, और इसका मेन काम क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, यूएन का पीस एस्टेब्लिश करना है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, 24 अक्टूबर, वही तो कह रहा हूँ पोलियो डे, डिलीवरिंग ह्यूमन नाइट्रेशन एड, मतलब मानवतावाद को बढ़ावा देना है, और प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए, और अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को बनाए रखना है। और जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो 51 मेंबर थे फाउंडिंग मेंबर के रूप में, इंडिया भी फाउंडर मेंबर है, इंडिया है, ब्रिटेन ने हमें रिप्रेजेंट किया था। जॉन डी रॉकफेलर ने ही भूमि दी है जिस पर ये यूएन के बिल्डिंग बनी है, तो ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आएगा, हाँ, मैनहट्टन आइलैंड में बनाया गया, टर्टल बे कहते हैं, मैनहट्टन आइलैंड कहते हैं, किसके द्वारा, इन्होंने कहा कि यदि इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट के लिए आप विचारधारा ला रहे हैं तो हम अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं। 17 एकड़ में बना दिया गया, चार्टर का
प्रियम्बल किसने तैयार किया है? फील्ड मास्टर स्मर्ट्स। जैसे ओलंपिक का चार्टर का पूछ लिया किसने बनाया है, तो यूएन का चार्टर का भी पूछ सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखें, कोई भी वर्ड हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं ये काम का है। चार्टर क्या है ये हमें कोई जरूरत नहीं, हमने लगभग मोटा मोटी आपको बता दिया। फ्लैग किसने डिजाइन किया ये इंपॉर्टेंट है, कब बना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कल परसों में ओलंपिक का फ्लैग का पूछा है क्या? नहीं पूछा है, पूछेगा। द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिसंबर 7, 1946 और डिजाइन बाय डोनाल्ड मैकलॉगिन लिन। और बैकग्राउंड कैसा है इसका? ब्लू। और ये लीव्स कौन सी है? ओलिव। ओलिव को हिंदी में क्या कहेंगे हम? जैतून की पत्तियां हैं। और ये वर्ल्ड का मैप है। ओलिव शांति का प्रतीक होता है। हेडक्वार्टर ऑफ कहां पर था? मैनहट्टन आइलैंड पे, और जिसे हम टर्टल बे भी कहते हैं। और इनके जो रीजनल ऑफिस हैं ये कहां कहां पे, ये पक्का आपको जानना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो रीजनल ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वियना ऑस्ट्रिया में, और नैरोबी केन्या में। यानी दो तो हो गया आपका यूरोप में ही, और एक अफ्रीका में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कहां पे नहीं है रीजनल ऑफिस। एंड द ऑल 15 ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी लोकेटेड इन द आउटसाइड ऑफ न्यूयॉर्क। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल एजेंसीज भी हैं, जनरली उसमें WTO नहीं है जो एग्जाम में आता है। तो द लेड आर्किटेक्चर किसने बनाया था यूएन के बिल्डिंग को? तो वेलेस हैरिसन के द्वारा बनाया गया। हाँ, यूएन ही है, एडिशनल स्पेशलाइज एजेंसी अलग होगा। यूएन बेसिकली है ही नहीं, जैसे वर्ल्ड बैंक नहीं है वैसे यूएन भी नहीं है। कुछ लोगों को कलेक्टिवली यूएन कहते हैं, उसी तरीके से। हाँ, वो अलग पॉइंट है, वो हेग में नीदरलैंड। ये कह रहे हैं कि इनके स्पेशलाइज एजेंसी, दोनों बातें अलग हैं। मतलब मैं कहूँ कि होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री का स्पेशलाइज एजेंसी में CBI को रख सकता हूँ, NIE को रख सकता हूँ, तो दोनों अलग अलग चीजें। यूएन के 6 पार्ट हुआ करते थे, अब 5 पार्ट रह गए। कौन सा समाप्त कर दिया? ट्रस्टीशिप को अब हमने समाप्त कर दिया। तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड द सेक्रेटेरिएट। इसमें सारा कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर? नीदरलैंड हेग में है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कितने लैंग्वेज हैं? 6। तो हमने बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, तो ये तो होगा ही होगा। चाइना का चाइनीज होगा ही होगा, फ्रांस का फ्रेंच होगा ही होगा, और रशिया का रशियन होगा ही होगा। तो 4 तो आपको यहीं से मिल गया। अब रही बात अरबिक और स्पेनिश की, तो स्पेनिश इसलिए क्योंकि अधिकांश देश इसको बोल रहे हैं, अरबिक इसलिए क्योंकि अधिकांश देश इसको बोल रहे हैं, तो याद हो जाएगा 6 के 6। अब सबसे बाद में कौन आया? तो अरबिक आया है कब? 1973 में। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आपको इस तरीके से लॉजिक के साथ याद करेंगे तो याद रहेगा कि सबसे बाद में अरबिक को 1973 में, और स्पेनिश को इसलिए क्योंकि अधिकांश देशों का ऑफिशियल करेंसी लैंग्वेज है ये। अब एक एक करके इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अभी हेड अभी यहीं पे रखेंगे, कल करेंगे इसको। अभी लोग मेंटली तैयार हो गए थे उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो इसलिए अभी मेंटली है नहीं। तो कल हम 2 चीज करने वाले हैं, तो डिफेंस सिस्टम करेंगे, उसका MCQ करेंगे, और यदि बिल्लू ने वो 125 क्वेश्चन के भेज दिए होंगे तो वो करा देंगे। और उसके बाद कल UN हम खत्म कर देंगे, यूएन मतलब
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और कल क्या वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, तो बचेगा तो 2 ही दिन। मैं सोच रहा हूँ 1 वीक एडवांस चलूँ। पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो पक्का गलत कर देंगे। 17 अगस्त को, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है। वो 14 और 15 में कन्फ्यूज हो सकता है कि 14 को पाकिस्तान बन गया था तो, लेकिन 17 तो नहीं होगा, और आंसर में 17 ही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे पेज में होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, उसके बाद स्पोर्ट्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी, अवार्ड सब डिस्कस करना। हाँ, यूएन का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में है। और यूएन ना हो तो ये जो तुम कह रहे हो, हाँ, आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन वाले, ना 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 ना, यूरोपियन यूनियन तो बहुत बाद में है। कब खींची गई बच्चों? 17 अगस्त 1947। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? कराची। ये लग रहा है क्वेश्चन हुआ है ये। स्वतंत्र पाकिस्तान के सीमाओं को किसने बनाया था? सिरिल रेडक्लिफ। कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन वाइज आंसर क्या दिया है? राजस्थान दिया है। ठीक, इसने क्या दिया है? बुक में जम्मू कश्मीर दिया है ना। ठीक है, लेकिन अब ये करना है। हाँ, फ्री हो गया क्या? वहां से आ गया आई लो, पहले वहां ले जाओ, वहां जरूरी है, वहां बहुत दिक्कत है। तो फोन करो उसको। ठीक है सर, ये कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। ठीक है, कल करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।